अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको 6 डिफरेंट वेज में दियों को डेकोरेट करना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही इजी और सिंपल है और क्विकली रेडी हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉर द फर्स्ट वन मैंने ये गोटे की लेस ली है और ये पत्तियाँ ली हैं गोटे की। अब मैं ये जो लेस है इसको मैं ग्लू गन से इसके ऊपर स्टिक कर लूँगी। इसके सारे किनारों के ऊपर मैं ये लगाऊँगी। ऐसे ही मैं दो लेयर्स जो हैं इसके नीचे वाली साइड पे लगाऊंगी। अब मैंने ये 3 डॉट लगाए हैं ग्लू के, इसके ऊपर ये जो पत्तियां हैं गोटे की ये मैं स्टिक करूंगी। इस तरह से ये 3 पत्तियां मैं जोड़कर लगाऊंगी। और सेम इसी तरह से थोड़ा सा गैप देके मैं पूरे दिए को इस तरह से कंप्लीट करूंगी। अब ये मैंने शीशे लिए हैं और ये पत्तियों के बीच में जो हमारी स्पेस है इसके बीच में ही मैं ये शीशे लगा दूंगी। और ये हमारा दिया जो है कंप्लीट हो गया है। फॉर द नेक्स्ट वन मैंने ये मल्टी कलर की लेस ली है और इसको भी मैं इसके दिए के कॉर्नर्स पर लगा दूंगी। अब ये जो हमारे दिए का सेंटर वाला पार्ट है इसके ऊपर मैं ये इस तरह से वेव की शक्ल में इस लेस को लगाऊंगी। और अब इसके नीचे भी मैं इस तरह से एक लाइन लगा दूंगी लेस की। अब मैंने ये मोती लिए हैं और जो सेंटर वाले हमारे पार्ट हैं जो दिए गए उसके अंदर मैं इन मोतियों को फिल कर दूंगी। जो खाली स्पेस हमारे दिए की नजर आ रही थी उसको मैं इन मोतियों से सारी कवर कर दूंगी। Thank you.
और बीच में जो थोड़ी थोड़ी स्पेस रह गई थी उसमें मैंने छोटे मोती यूज़ किए हैं। और ये हमारा दिया कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट दिए के लिए ये मैंने गोटे की लेस ली है बारीक, और मैं इसको भी इसके कॉर्नर पर अच्छी तरह से लगा लूंगी। बिल्कुल साथ जोड़ जोड़ कर मैं ये इसे लेस को लगाऊंगी और इस पूरे दिए को कवर कर दूंगी। और ये मैंने पूरे दिए को कवर कर दिया है। मैं इसके कॉर्नर को सिक्योर कर दूंगी अच्छी तरह से। अब ये मैंने स्क्वायर शेप में शीशे लिए हैं और अब मैं इस तरह से इस शीशे को इसके ऊपर लगा दूंगी। थोड़ा सा गैप देकर इस तरह से मैं इन शीशों को लगाऊंगी। और इसके सेंटर में मैं इस तरह से नीचे की साइड पर एक और शीशा लगाऊंगी, दोनों शीशों के सेंटर में। और सेम इसी तरह से मैं इस पूरे दिए को कवर कर दूंगी। और ये हमारा दिया कंप्लीट हो गया है। फॉर द नेक्स्ट वन ये मेरे पास फ्लावर्स हैं पेपर के, इसको मैं 1 by 1 इस दिए के ऊपर स्टिक कर दूंगी। इस तरह से इसको जोड़ जोड़ के मैं इस पूरे दिए को कवर कर दूंगी। ये मैंने मोती लिए हैं और इन फ्लावर्स के अंदर मैं एक एक मोती स्टिक कर दूंगी। और ये हमारा दिया कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मैंने ये ग्रीन कलर की लेस ली है और मैं इसको भी इसके कॉर्नर पर लगा लूंगी कंप्लीट। और इसके साथ मैं एक और लेयर इसकी लगाऊंगी थोड़ा सा गैप देकर, और इसके कॉर्नर को अच्छी तरह से सिक्योर कर दूंगी।
अब ये मैंने गोल्डन कलर के सितारे लिए हैं, इनको मैं जो गैप हमारे पास है दिए के सेंटर में उसके ऊपर स्टिक करूँगी। ये गैप हमें नज़र नहीं आना चाहिए। इस तरह से जोड़ जोड़ कर मैं ये सितारे लगाऊंगी और इस पूरे दिए को कवर कर दूंगी। और ये हमारा दिया कंप्लीट हो चुका है और ये है दिए की फाइनल लुक। नेक्स्ट के लिए ये मैंने डार्क गोल्डन कलर की लेस ली है और इसको भी मैं इस तरह से इसके कॉर्नर पर लगा लूँगी। कॉर्नर्स को हमेशा अच्छी तरह से सिक्योर करना है। अब ये मैंने दो डिफरेंट साइजेस के शीशे लिए हैं और इस शीशों को मैं इस तरह से इसके ऊपर स्टिक करूँगी। सबसे पहले मैंने छोटे साइज के शीशे यूज़ करूँगी और इस तरह से थोड़ा गैप देकर मैं इन शीशों को लगा दूँगी। अब ये दोनों शीशों के सेंटर में जो स्पेस है उसके अंदर मैं ये जो थोड़ा सा बड़ा मैंने शीशा लिया है इसको स्टिक कर दूंगी और इस पूरे दिए को इस तरह से कंप्लीट कर दूंगी। अब मैं इसके नीचे भी एक और लेयर लगाऊंगी लेस की। एंड दिस इज द फाइनल लुक। हमारे 6 दिए जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा विच वन यू लाइक द मोस्ट। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके साथ मेहंदी की प्लेट्स बनाना सिखाऊंगी। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप वो वीडियो मिस ना कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।